नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे कि आपको एग्जाम में 6-7 सवाल जरूर आपको दिखने को मिलेंगे। 80 नंबर का अगर एग्जाम हो रहा है तो यहाँ से निश्चित रूप से 8 सवाल बनते हैं। 6 से 7 सवाल, 8 सवाल आपको जरूर आएंगे। अगर यही ये एग्जाम 100 नंबर का होता तो 10 सवाल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से दिखते, क्योंकि ये टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है। आपको जैसा कि पता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने यहाँ पे थोड़ा पहले में थोड़ा ब्रीफ यहाँ पे आपको नॉलेज दिया है, ताकि आपका, अगर आपने बहुत टाइम से ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पढ़ा है, तो आपका ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हो जाए। उसके बाद हम एमसीक्यू पढ़ाएंगे, जिसपे हम आज आपको लगभग लगभग यहाँ पे आपको हम 100 क्वेश्चन के आसपास आपको हम ये एमसीक्यू सीरीज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कि जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर में देख रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कोर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, यानी कोर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूजर और हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट करता है, जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच होने वाले जितने भी तरह के फंक्शन हैं, जिसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो ये हमारा एक सिंपल सा डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कह सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम विच परफॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन इन ऑर्डर टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ फंक्शंस होते हैं, तो कुछ कुछ नहीं आप कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनमें से मुख्य जो फंक्शन है वो मैंने आपको डायग्राम से यहाँ पे बता रखा है। जैसा कि आप पहला देख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट, तीसरा प्रोसेसर मैनेजमेंट, चौथा सिक्योरिटी, यानी कि जितने भी तरह के सिक्योरिटी जो कि हम कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वो जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है। पांचवा एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन में भी इसका रोल होता है। छठा कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, तो यानी सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन जो होता है बैठाना, उसका वो काम भी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अगर मान लीजिए कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया गया है, तो उसकी जो सारी अकाउंटेबिलिटी है वो सब की सब ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। और आठवां यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर डिवाइस ड्राइवर के अंदर फाइल होते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो यही हमारे मुख्य रूप से 8 जो हम आपको दिखा, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन, ये मेन फंक्शन है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ ओएस की बात करें, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे वैसे तो इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, बट मुख्यतः अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, तो यहाँ पे आप जैसा कि आप देख सकते हो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, मल्टी प्रोसेसर ओएस, मल्टी प्रोसेसर या मल्टी प्रोग्रामिंग कहो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम और एम्बेडेड, इन सबको हम एमसीक्यू में बारी बारी से पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे बता दूँ कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक तरह का नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी प्रोग्राम अगर एक बार सीपीयू पे लोड होता है, तो वो पूरा कंप्लीट होगा, तभी वो कंप्लीट होने के बाद टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसा कि आप देख सकते हो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को टास्क और ये मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है, यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट होता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर पे जो जितने भी प्रोसेस आएंगे, उन सबको एक छोटे छोटे टाइम स्लाइस में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उतने ही टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता है, और फिर जाके वो फिर रेडी, जैसे कि हम रेडी, एक होता है रेडी स्टेट, एक होता है एग्जीक्यूशन रनिंग स्टेट। तो रनिंग स्टेट में जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो वो अपने टाइम स्लाइस के बाद, वो फिर अगर मान लीजिए उसका टाइम स्लाइस 2 सेकेंड है, तो वो 2 सेकेंड बाद फिर से वो रेडी स्टेट में आ जाएगा, और फिर एक अगला प्रोसेस आके वहाँ पर काम करने लगेगा सीपीयू पे। तो यही हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि पहले के टाइम में इसका यूज होता था, जो कि एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कि एक ही तरह के, जिसमें अगर मान लीजिए एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के अंदर में ढेर सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसमें कि जो भी सिमिलैरिटी हैं, तो उन सारे सिमिलर
एक प्रोसेस के अंदर जो सब प्रोसेस होंगे, सब प्रोसेस में जो सिमिलर प्रोसेस होंगे उन सबको एक एक बैच का नाम दे दिया जाएगा और एक एक बैच करके उसका उसको सीपीयू के ऊपर प्रोसेस किया जाएगा। तो इसमें ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, पहले के टाइम में यूज होता था। एक यहाँ पे आप देख सकते हो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि पहले से एक बार हमने फिक्स उसको कर दिया तो वो बस उतना ही काम परफॉर्म करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब ये है कि अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में फिक्स है कि उसमें आपको जोड़ घटाव गुणा भाग कितना ही फंक्शन आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जैसे टेम्परेचर मापने की मशीन होती है उसमें आप बस टेम्परेचर ही देख सकते हो। तो ये एक तरह का एम्बेडेड है जो हमने जो फिक्स कर दिया वही हम देखेंगे। और एक यहाँ पर आप देख सकते हो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि आप रियल टाइम ऑपरेटिंग यानी कि कोई भी हम प्रोग्राम या कोई भी अगर हम प्रोसेस अगर हम उस पर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका रिप्लाई हमें क्विक मिले। जैसे कि अगर आप रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हो, इसका एग्जांपल होता है, रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हो वहाँ पे अगर आप टिकट लेते हो तो क्विक में आपको पता चलता है कितना क्या टिकट है और टिकट खाली है तो टिकट देना है, नहीं है तो कह देना है नहीं टिकट है। तो इस तरह से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हम जैसे कि करंट वेदर हमको देखना है तो तुरंत हम अपना टाइप करेंगे जो अभी का करंट वेदर क्या है यानी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ये जो इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया जाता है वो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से हमने ये जो मेन इम्पोर्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं उन पे हमने चर्चा की। तो चलिए हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे भी हम आपको जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि डिटेल बताने का ज़रूरत है मैं वहाँ पे आपको डिटेल देता चलूँगा और इस वीडियो में निश्चित रूप से आपको मज़ा आने वाला है और ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लगेगा कि इस पूरे वीडियो में ही ख़त्म सा हो गया। अगर आप काफ़ी टाइम से आपने अगर पढ़ाई छोड़ रखी है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझ आएगा। तो और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत हद तक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन को देखते ही काफ़ी कंफर्ट फील करोगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया भी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने आपको डायग्राम से वहां पे दिखाया था। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्या होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, आपके सामने तीन ऑप्शन दिए गए। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हो, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, एक कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट, जैसा कि हमने आपको बताया सॉफ्टवेयर, एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। यहाँ पे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम शेयरिंग प्रोवाइड्स, टाइम शेयरिंग क्या प्रोवाइड करता है। तो टाइम शेयरिंग जो है वो हमारा, हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया था। तो इसमें जो है हमारा डिस्क मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कंकरेंट एग्जीक्यूशन, ये तीनों जो है ये तीनों प्रोवाइड करता है टाइम शेयरिंग प्रोवाइड, ये तीनों पे तीनों करता है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रोवाइड कनेक्टिविटी, स्कैन द सिस्टम, स्कैन करने का काम होता है, ये एंटीवायरस का, प्रोवाइड कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग का काम होता है। बट अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, ये पूरे सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है। जब यूजर को जिस आउटपुट की ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो उस हार्डवेयर को फंक्शन करता है और यानी कि वो टोटल जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये इमेज में हमने आपको दिखाया था, ये जो हमारे हार्डवेयर हैं सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट, ये सारे हार्डवेयर के अंडर आते हैं। तो इन सब को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज, प्राइमरी जॉब क्या होता है। तो प्राइमरी जॉब यहाँ पे होता है मैनेज रिसोर्सेस यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर मैनेज रिसोर्सेज यानी कि जो भी हमने प्रोसेस दिए हैं उसके जितने भी, उस प्रोसेस में जितने भी रिसोर्सेज का यूज होगा उन सबको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, हमने आपको पहले ही थोड़ी देर पहले ही बताया था जब हम आपको ओएस का टाइप बता रहे थे उसमें टाइम शेयरिंग का दूसरा नाम क्या होता है। तो मल्टी टास्किंग सिस्टम होता है यानी 5 का सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो यहाँ पे प्राइमरी जो फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, यानी ये टोटल के टोटल ये प्राइमरी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पे आपको लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको 10-12 सवाल मिलेंगे, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आपको कीवर्ड को पकड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे था प्राइमरी फंक्शन, फिर यहाँ पे पूछ रहा है प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी, तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस जो है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन जो है टू मेक द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी हमने देखा था कि वो हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आठ नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, आठ नंबर क्वेश्चन है द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो, सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल्स द कंप्यूटर वर्किंग, द वे द कंप्यूटर ऑपरेटर ऑपरेटिंग वर्क्स, कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल इनटू मशीन लैंग्वेज टू वे फ्लॉपी डिस्क, तो ये सब नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, द वे अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग वर्क्स, ये जो है अब द वे कंप्यूटर ऑपरेटिंग वर्क्स। चलिए राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, तो मैनेज करता है मेमोरी को भी, प्रोसेस को भी, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी, यानी कि ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन में भी हमने आपको बताया था मैनेज कंप्यूटर्स रिसोर्सेज वेरी इफिशियंटली, टेक केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब फॉर एग्जीक्यूशन, मैनेजेज द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ये तीनों के तीनों फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पे शेड्यूलिंग जॉब की बात की जा रही है, इनको हम आगे फिर डिटेल में, ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसको हम डिटेल में जानेंगे। विच इज Not the function of operating system. Operating system का function क्या है, तो अगर आप question को ध्यान से पढ़े तो आपको ये answer दिख जाएगा, virus protection, यानी ये जो virus protection का काम है, security provide कराना operating system का काम है, but virus protection और security protection थोड़ा एक different term है। जैसे कि अगर हम बात करें security protection, अगर आप कोई चीज़ को login करते हो, जैसे आप system को जैसे ही on करते हो तो आपको password पूछता है, तो वो एक तरह का security protection है। बट वायरस प्रोटेक्शन जो है वो, अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो उसमें आपके वायरसेस आते हैं, तो उनसे जो प्रोटेक्शन का काम होता है वो एंटीवायरस का होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करता है, ना कि वायरस से प्रोटेक्शन करता है। आजकल वैसे विंडोज डिफेंडर एक सॉफ्टवेयर आने लगे हैं जो कि वायरस से भी प्रोटेक्ट करता है, बट इस ऑप्शन के अनुसार अगर हमें एक चुनना होगा तो वायरस प्रोटेक्शन को ही चुनेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये जैसे आप ऑप्शन में ही दिख जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, अ प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज, मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। यहाँ पे जब कहा जा रहा है मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज, यानी मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, यहाँ पे आपको थ्रेड जो एक टर्म है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, थ्रेड क्या है, तो थ्रेड ऐसा हो, ये एक प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है जो एक लाइट वेटेड प्रोसेस होता है, जैसा कि एक प्रोसेस होता है एक थ्रेड होता है, ये जितना भी थ्रेड है ये मल्टीटास्क एनवायरनमेंट का पार्ट है, जिसमें एक अगर हम प्रोसेस और थ्रेड की बात करें तो प्रोसेस जैसा कि होता है, प्रोसेस जो होता है वो कर्नल पे यूज होता है, यानी उसमें कर्नल की मुख्य भूमिका होती है, बट अगर थ्रेड्स की बात करें तो ये ज़्यादातर यूजर लेवल एंड पे होता है। तो कर्नल पे अगर होगा तो कर्नल का मतलब होता है सीधा सा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कर्नल का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि कर्नल जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जो कि मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम है। तो प्रोसेस में सिस्टम कॉल इन्वॉल्व होता है जब, बट थ्रेड जो होता है उसमें आपको सिस्टम कॉल इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये यूजर एंड पे होता है। और प्रोसेस जो है ये ट्रीट्स करता है डिफरेंट प्रोसेस के साथ डिफरेंट रूप से ट्रीट करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है, तो यहाँ पे अगर जिस तरह का प्रोसेस है उसके साथ उस तरह का ट्रीट होता है। बट थ्रेड्स में क्या होता है, सिंगल एक ही टास्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अगर थ्रेड्स में तो वो एक तरह से ही डिफरेंट वो एक पूरे टास्क के लिए एक ही तरह से काम करता है। अगर हम बात करें
इस पे अगर जैसा कि हमने आपको प्रोसेस में बताया, प्रोसेस में डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं और वो डिफरेंट तरह से ट्रीट करते हैं। तो डिफरेंट तरह से ट्रीट करने का मतलब है उसकी डिफरेंट कॉपी होगी, फाइल होगी, डाटा होगा। बट यहाँ पे थ्रेड्स में क्या होता है, सेम कॉपी सेम फाइल होता है, क्योंकि एक सेम तरह का प्रोसेस होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होता है, ये ऑपरेटिंग, ये प्रोसेस में स्लो होता है। क्योंकि स्लो इसलिए होता है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टास्क होते हैं। बट थ्रेड्स में सेम टास्क होते हैं, इस वजह से इसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होता है वो फास्ट होता है। और प्रोसेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हर प्रोसेस का अपना अपना एक अलग, प्रोसेस के अंदर जो हर जितने भी प्रोसेस हैं उसका एक अलग अलग फंक्शन है, रिसोर्सेज उसके अलग अलग रिसोर्स हैं। बट थ्रेड्स जो है वो इंट्रा डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से हमने प्रोसेस और थ्रेड्स को जाना, तो यही हमारा थ्रेड्स होता है। तो इस तरह से अगर हम 13 नंबर का अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर पर चले थ्रेड इज। तो यहाँ पे हमने आपको भी बताया था, अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाई, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। An executed program of computer system is called. तो ये executed program of computer system is called क्या हो जाएगा, एक तरह का ये process हो जाएगा, यानी option number B इसका right answer हो जाएगा। 16 पे चलते हैं, operating system maintains the page tables for, operating system manage the page tables for each process के लिए। ये अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था, हर एक process के लिए ये different तरह से operating system work करता है। तो operating system maintains the page tables for each process। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवाइस ड्राइवर आर इंप्लीमेंटेड टू इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर डिवाइसेस, ब्लॉक डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, थ्रेड शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इज डन बाय, थ्रेड शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम इज डन बाय। तो इसका राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन नीड्स, प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन नीड्स। तो ये क्या नीड करता है, तो नीड ये करता है रिसोर्सेज को। अ प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन नीड्स रिसोर्सेज, एग्जीक्यूशन में रिसोर्स का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, डैश इज वन ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट जॉब है ये नॉन प्रिमिटिव है। राउंड रोबिन जो है ये एक तरह का प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, राउंड रोबिन। और प्रायोरिटी बेस्ड जो है ये भी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ये दोनों होता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो ये जो जॉब नेक्स्ट है, ये जो होता है ये भी एक तरह का प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होता है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक से अधिक हम मुझे प्रिमिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे राउंड, इस ऑप्शन यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे एक होना चाहिए था, जिसमें अगर क्योंकि राउंड रॉबिन की बात करें तो ये भी एक तरह का प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। और प्रायोरिटी बेस्ड की बात करें तो ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों है। और शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट ये जो है ये एक होता है, इसमें शॉर्टेस्ट जॉब अगर मैं आपको इसको थोड़ा और क्लियर करूँ, तो इसमें एक आता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो कि एक प्रिमिटिव होता है। और शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट जो होता है वो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होता है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि अगर कोई भी चीज़ प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव कहने का मतलब है कि वो अपने प्रोसेस से जब वो एग्जीक्यूशन उसका हो रहा होता है, तो उस बीच में वो सीपीयू से निकल के फिर से वो रेडी स्टेट में आ सकता है, यानी रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में वापस जा सकता है। बट अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें, तो जब वो रनिंग स्टेट में जाएगा तो तब तक टर्मिनेट नहीं होगा, जब तक कि प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक वो पूरा, यानी एक बार वो सीपीयू पे जाएगा तो वो कंप्लीट होके ही वापस आएगा। तो यही बस सिंपल सा कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीमाफोर कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग सिंक्रोनाइजेशन, यानी सिंक्रोनाइजेशन के लिए सीमाफोर का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है ये क्या होता है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है अलाउ प्रोसेसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मल्टी प्रोसेसर इज यूज्ड बिकॉज,
मल्टी प्रोसेसर इज यूनिट बिकाउज इट सेव्स मनी कंपेयर टू मल्टी सिंगल सिस्टम, इट इंक्रीज रिलायबिलिटी, इट डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क। तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी मल्टी प्रोसेसर जो है ये इसका सारा का सारा ये फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इसका जैसा है नाम से स्पष्ट है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी प्रोसेस के इंटर में कम्युनिकेशन, अगर दो प्रोसेस है अगर वो वर्क कर रहा है तो उन दो प्रोसेसों के बीच जो डाटा है, रिसोर्सेस हैं, उनका शेयर। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीमाफोर इज अ शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। ये सीमाफोर इज शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि सीमाफोर एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन टूल है। तो सीमाफोर इज शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल डेट कैन नॉट ड्रॉप बिलो जीरो, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे ये डन किया जाता है, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर, बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज कहाँ किया जाता है? तो डेडलॉक अवॉइडेंस में। तो यहाँ पे डेडलॉक जो एक टर्म आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है जिससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। तो डेडलॉक एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर कोई प्रोसेस अगर वेटिंग स्टेट में है जो सीपीयू फ्री हो जाए, तो फिर मैं मतलब अगर कोई प्रोसेस अगर आप इस तरह से समझो, अगर कोई प्रोसेस है अगर वो अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें तो when a process requests resource and if the process are not available at the time, if the resources are not available at the time, the process enters a wait state। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई प्रोसेस है अगर वो सीपीयू में जाना चाहता है बट उस टाइम सीपीयू में वो रिसोर्स नहीं है, तो वो फिर वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और वो तब तक वेट करेगा जब तक कि वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो जाता है। तो अगर उससे पहले जो भी प्रोसेस आए होंगे अगर वो भी सेम रिसोर्स का वेट कर रहे हैं, तो इस तरह से जो पहले वेट कर रहे हैं तो वो भी वेट कर रहे हैं और जो बाद में आए हैं वो भी सेम रिसोर्स का ही वेट कर रहे हैं, यानी कि वेटिंग टाइम इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस तरह से ये जो एक सिनेरियो बनता है, एक तरह का केस होता है, इसे ही डेडलॉक कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको सेम रिसोर्सेज की नीड है और वो सारे के सारे वेटिंग स्टेट में है कि कब सीपीयू पे वो रिसोर्स आएगा और मैं एग्जीक्यूट होऊंगा। तो यही यहाँ पे डेडलॉक अवॉइड, तो यही एक तरह का डेडलॉक केस है जिसका अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक आर, नेसेसरी कंडीशन क्या होता है डेडलॉक के लिए? तो नेसेसरी कंडीशन जो है वो होता है यहाँ पे नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड पार्टीशन एलोकेशन। तो ये दोनों केस जो है ये नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए। नो प्रिम्पशन का मतलब है जो एक बार में अगर एक टास्क गया तो वो पूरा एग्जीक्यूट होके ही बाहर निकलेगा, और सर्कुलर वेट इसमें होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सीधा सा मतलब है कि अगर एक क्रिटिकल सेक्शन में अगर या सीपीयू में एक फंक्शन या एक प्रोसेस अगर वर्क कर रहा है तो वो कोई दूसरा प्रोसेस तब तक वेट करता रहेगा जब तक कि सीपीयू से वो प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। और पार्शियल एलोकेशन, तो ये सारे टर्म हैं ये नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन डील्स विद, तो ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन डील्स विद, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था बैंकर्स एल्गोरिथम यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस, तो आपका मन होगा जो ये डेडलॉक अवॉइडेंस इसका आंसर क्यों नहीं होना चाहिए, वो इसलिए यहाँ पे अगर आप पूरे ऑप्शन को अगर सही से देखो तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब सीधा सा यही होता है कि अगर अगर हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक प्रोसेस अगर सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो तब तक दूसरा प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि वो खाली ना हो जाए। तो ये जो होता है ये डील्स करता है इसी चीज़ के साथ, ये डील्स होता है यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोग्राम प्रिम्पशन क्या होता है? तो ये होता है पोस्ट एलोकेशन ऑफ सीपीयू फ्रॉम ए प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और डेडलॉक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ये डेडलॉक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अनडिजायरेबल प्रोसेस होता है, क्योंकि डेडलॉक आपको पता है क्योंकि सारे प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में है, तो ये एक तरह का अनडिजायरेबल प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द बैंकर एल्गोरिथम इज यूज्ड टू प्रिवेंट
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू प्रिवेंट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द स्टेट ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस का स्टेट होता है रनिंग, रेडी, ब्लॉक्ड, तो ये प्रिविलेज, इसका कोई स्टेट नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा है कि अभी तक हमने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन किए हैं, तो हम आपको एक नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ये आगे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।